भोजपुर की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूँ सरिता सिंह। युवा कला एवं सांस्कृतिक विभाग के द्वारा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक गायन प्रतियोगिता का आयोजन नागरी प्रचारणी सभागार में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने कृषि भवन सभागार में अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर भोजपुर के प्रतिभावान कलाकारों के लिए विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोक गायक, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, नाटक आदि विधाओं को शामिल किया गया है। ये हमारा नंबर वाला फॉर्म है, सबका यही नंबर है, ताकि इनबॉक्स में कोई गड़बड़ ना हो, इसमें आ जाएगा तो एक नंबर आ जाएगा। ये तो नया एंट्री के लिए सर, पेमेंट तो पुराने वाले पे, ये तो भी नया एंट्री के लिए, जो हमारा बचा हुआ है इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, इन लोग से आवेदन करवा रहे हैं, मतलब हम हर लाभ का डिटेल ले ले रहे हैं सर। ठीक है, आपको यह गाना याद होगा, यह देश हुआ बेगाना। अब ऐसा लगता है कि एक राज्य के लोग को दूसरे राज्यों में जाकर कार्य करना कठिन हो जाएगा। गुजरात में बिहार और यूपी के मजदूरों को जिस प्रकार मारा पीटा गया, जिसके कारण हजारों मजदूर गुजरात को छोड़कर अपने घर लौटने पर मजबूर हो गए। गुजरात में हुई मजदूरों के साथ मारपीट के विरोध में राजद के कार्यकर्ताओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी किए। हम लोगों के युवा नेता तेजस्वी जी ने बोला है कि अगर बिहारियों पर अत्याचार होते रहेगा तो भाजपा को एक और देख सुनने जो बिहारियों पे लगातार वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है गुजरात सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ युवा राजद, छात्र राजद के द्वारा आज जज कोटियारा में पुतला फूका गया है। हम मांग करते हैं विजय रूपाणी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि आपने बिहार और यूपी से वोट लेकर के आपने बिहारियों को अपमान करने का काम किया, बिहार को खदेड़ रहे हैं। आपके आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि बिहारी का अपमान क्या होता है।
भाई उत्तर भारतीय हो रहे हैं हमले के विरोध जी बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? भीम यादव अध्यक्ष छात्र राजद बिलपुर सिंह विश्वविद्यालय। देखिए जिस तरीके से गुजरात के अंदर बिहारियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों ने पुतला फूंका है और पुतला दान के माध्यम से हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं और उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहारियों के साथ जो अपमान आप कर रहे हैं उसको आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको ये करारा हम लोग जवाब देने का काम करेंगे और बिहारी एकता को हम लोग ये बताएंगे आपको कि बिहारी एकता क्या होता है और बिहारों और बिहार की जनता में क्या एकता होता है। आलोक रंजन प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र। एक तरफ भगवान इंद्र के नाखुश होने के कारण हथिया नक्षत्र में भी वर्षा नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ नहरों के निचले भाग तक पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान धान की खेती को लेकर काफी परेशान है। नहरों में पानी की उपलब्धता की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासंघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया और सदस्यों ने जिला प्रशासन से नहरों में पानी उपलब्ध कराने की मांग की। मांगे हैं आज आप लोग का सड़क जाम का पूरा रोहिणी नक्षत्र में बारिश नहीं हुआ, नहरों में पानी नहीं है, किसानों का धान जो है सूख रहा है, लेकिन नीतीश जी मोदी जी चैन की बंसी बजा रहे हैं, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं। डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, किसान खून दे करके पंपिंग सेट में अपना धान किसी तरह से मैंने जिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पौधे जो है अभी रेड़ियाने को है, धान में रेड़ निकलेगा, धान को फूटने का वक्त आ गया, लेकिन पानी गायब है और जो फसल है बर्बाद है किसानों की। हम लोग मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप पूरे बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए और नहरों में तत्काल पानी की व्यवस्था करवाइए, बंद पड़े सरकारी नलकूपों को चालू कीजिए और किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपए का मुआवजा दीजिए। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से आज पूरे भोजपुर का चक्का जाम है। 1974 जेपी भूमिगत आंदोलन कार्य जिनके अनुयायियों एवं समर्थकों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग की। जेल में सर्टिफिकेट है, नशीस है, बहुत सारा लोग ऐसे हैं
बिना जेल के सब खेती के पेंशन ले रहे हैं। जो नीतीश जी के पास सीधी बनाकर 10,000 आदमी को दे दिया गया, नीतीश जी पर ऑर्डर करके उन लोगों का पेंशन मिल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत कम सीधा पर है। आपका परिचय? आपका परिचय? कमता सिंह, जेटी पर फोन करके फोन करा, राजसंयोग। बताइए। हाँ, संपूर्ण क्रांति मंच जो है वो सबका विकास चाहता है। भूमिगत जो है, भूमिगत भूमिगत है, जेल में जाने वाले तो आंदोलन क्या करेंगे, जो भूमिगत रह गया है वही आंदोलन किया है, वही देश का सत्ता संभाला है, उन लोगों को जमानत करके निकाला है, जेल में जो गया उनको निकालने का काम किया है भूमिगत। सरकार भूमिगत को ध्यान दे, नहीं तो आंदोलन हम लोग जारी रहेगा। और आंदोलन के जो हम लोग पुराने आदमी है, फिर भी आंदोलन 74 से कम नहीं आंदोलन होगा, इससे 60,000 लोग हम आए, भूमिगत 60,000 है, 60,000 आंदोलन को हम लोग सत्तर हो जाएंगे, आंदोलन से जेल भरो आंदोलन कर देंगे। अपना परिचय बताइए। हमारा बुद्धनाथ यादव। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं। आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789। मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनु समझा तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301, 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा।
ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। 19 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय अधिवक्ता जन मोर्चा के द्वारा अंबेडकर चौक के पास महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से कई मांगे की बात कही। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी भोजपुर के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि आरा कलस्तरी भवन बहुत दिनों से जो कृषि भवन के पास और सभी का जाले चला गया है, उसके चलते आम जनता जनार्दन को बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ शीघ्र लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाइसेंस जो अधिवक्ताओं का रद्द करने का जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है, उस निर्णय को शीघ्र वापस लिया जाए। आपका परिचय? जितेंद्र कुमार अधिवक्ता, राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक है अखिल भारतीय अधिवक्ता जनमोर्चा। शारदीय नवरात्र में एक तरफ जहां शक्ति उपासना की आराधना होती है, वहीं दूसरी तरफ भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसकी याद में 10 दिनों तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला के प्रति जागरूकता को लेकर रथ रवाना किए गए। शारदीय नवरात्र 10 अक्टूबर से कलश स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर बाजारों में काफी ही चहल पहल देखी जा रही है। कई जगहों पर भव पंडाल के साथ ही कारीगर माँ का जीवंत रूप देने में लगे हुए हैं।
अनिल तुझे मुड़ा आठ अनिल भी बड़ा दे हमारे बड़े भैया पूजा में दूध घास का क्या महत्व है? धूप का ही नहीं महत्व है, जौ का भी महत्व है, चावल का भी महत्व है, जल का भी महत्व है। जो हम लोग संकल्प करते हैं वो संकल्प में जो वस्तुओं का प्रयोग होता है उसमें तीन चीज होता है, जल का, थल का और नभ का। यानी कि हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वो हम तीनों को हम लोग साक्षी मानते हैं। जल जो है वह काल लो, दूध जो है वह पृथ्वी लो और आम का पल्लो है वह नभ यानी आकाश, तीनों को साक्षी मान करके हम लोग पूजा करते हैं। मैं नौ दुर्गा मंदिर पुजारी सुमन राव, सभी भक्तों को धन्यवाद। ज्योतिष के अनुसार माता का गमन जो होगा वो डोली पर होगा, डोली पर होगा, जिससे क्या होगा कि विषाणु जन्य रोग फैलेंगे और संक्रामक रोग फैलने की संभावना रहेगी। बट लेकिन बंग ज्योतिष के अनुसार, बंगाली बंगाल ज्योतिष के अनुसार सप्तमी से लिया जाता है माँ का आगमन, तो माँ का आगमन जो होगा आपको अश्व पर होगा, जिसका फल जो है निष्ठ कारक है, और गमन जो है वो गज पर होगा जो शुभ है। और सर इसमें दूब भाँस का क्या? दूब नहीं, जौ। जौ हम लोग क्यों डालते हैं? जौ क्यों डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है? देखिए, हर जब हम लोग कलश रखते हैं तो कलश के नीचे मिट्टी रखते हैं, उसके बाद जौ डाला जाता है। तो जौ डाले जाते हैं तो देखते हैं, पहला तो बात है कि मिट्टी जो है पर्यायवाची शब्द स्त्री होगी,
और जो है एक ये दूसरे दृष्टि से देखा जाता है कि यह संतानोत्पत्ति के लिए इंगित करता है। दूसरा नवरात्रा में जौ जो है फसल के लिए इंगित करता है, अगर जौ अच्छा होगा तो चारों तरफ फसल जो है अच्छा होगा। रेड क्रॉस यूथ क्लब के द्वारा स्कूल बस प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं को विद्यालय को किस प्रकार साफ सुथरा रखा जाए इसकी जानकारी दिया गया। बल्कि और भी कुछ स्वरक्षा के स्वरक्षा सुरक्षा स्वरक्षा अपनी रक्षा और अपने साथियों की रक्षा के भी कुछ उपाय सर बताएंगे आपको। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आना चाहूंगी कि बच्चे अभी आज समाज के किसी के पीछे नहीं है और आपके नेता उनसे जुड़ी है, बाल संकट से जुड़ी है, आपके स्कूल में इस तरह की समिति चल रही है, तो आप लोग भी बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखेंगी सीखेंगी और अपने जलशोधक लाइट एक्स्ट्रा। और ये क्या है, ये जो पानी गंदा होगा यहाँ के ऊपर जाने के बाद वो सीधे इसमें आता है, पानी जब भरा जाएगा तो आप देखेंगे ये ऊपर का जो पोर्शन है वो सीधे पानी का पोर्शन है जिसमें कॉमन पानी देता है या फिर बड़ी है उसके नीचे ये ड्रिंकिंग वाटर का पार्ट है। और ये 25 लीटर ये मैडम ने निकाला है इसको, ये उसमें आप देखेंगे ये टाली लगी हुई है उमेस है और उमेस की सफाई। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त। आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन हीटर डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। हमारे विज्ञान संवाददाता के अनुसार 7 दिवसीय मथिन महादेव का आयोजन किया गया जो 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम को यादगार भव्य एवं आकर्षक बनाने के उद्देश्य से मंदिर को आकर्षक लुक दिया जा रहा है। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण की संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर देवी जागरण का आयोजन किया जाएगा।
प्रेस में बोले वाला बात ईटीवी बिहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस इमादपुर निवासी अमर कुमार चौरसिया की 40 वर्षीय पत्नी अमिता देवी खाना बनाने के क्रम में गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेजा गया। है छोटा सा लड़का है, वो खेलते खेलते पाइप भाई घुस किया, खाना बना रही थी इसको पकड़ लिया। आपकी सूचना जब जानकारी कब मिली आपको? सूचना घर वाले उसी समय दिए। क्या लगती है आपकी? हमारी छोटी बहन है। तो जैसे कि कोई आपसी विवाद ये सब तो नहीं ना था? नहीं, ऐसा कुछ। आपका परिचय? कहाँ से? नगर थाना अंतर्गत गांधी पुल के पास पुलिस ने अज्ञात युवक का लाश बरामद किया है। अज्ञात मृत युवक के हाथ पर मुन्ना लिखा हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शव का अंत परीक्षण सदर अस्पताल में किया गया। तो कहाँ पर मिला है? अज्ञात है। कोई पहचान हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई पहचान नहीं। आपका परिचय सर? फूल के सूर्य मंदिर के पीछे मिला हुआ। ये सूचना मतलब ग्रामीण ने दिया कि लोगों ने कहा, थाना को इन्फॉर्म किया, थाना हमको कहा, हम वहाँ गए। सर इसके बॉडी पर कोई निशान मिला आपको देखने का? हाँ, निशान मिला है। किस हाथ पे निशान है? दाएं हाथ पर
मुन्ना नाम लिखा हुआ है और उसके बाद तर्जनी के ऊपर जो है ओम का निशान। अभी इसका कोई अता पता चला? कोई अता पता नहीं, पर से कुछ बरामद नहीं हुआ मतलब।